हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की मैथ में एक्सरसाइज 3.6। और देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसे हम क्या करते थे, पहले रैखिक युग्म में बदलने के लिए 1/x बराबर ए और 1/y बराबर बी मान करके समीकरण बना करके हल किए हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ स्टोरी वाले क्वेश्चन है जो कि आपके प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो अब देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है, आप लोगों से आना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है ना, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल का मतलब है, अगर पानी की बहाव की दिशा जो भी है, अगर हम उसी दिशा में तैरते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि हमें कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन धारा के प्रतिकूल, अगर क्या है, पानी का बहाव अपोजिट साइड से, हम दूसरी साइड से तैरेंगे तो उसमें हमें बल लगाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत कम ऋतु तैर पाती है 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर, है ना। तो धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तैर पा रही है। तो अब बताना है कि स्थिर जल में जब पानी नहीं बह रहा होगा तो स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी, हमें निकालना है। तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को हम मानते हैं x या y। तो स्थिर जल में चाल जब पूछा गया तो उसको x मान लेंगे और जो धारा की चाल है वो क्या मानेंगे, y मानेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, सबसे पहले माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी आपकी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये तो स्थिर जल में चाल है, और धारा की चाल क्या हो जाएगी, स्थिर जल में ऋतु की चाल अगर x है तो धारा की चाल हो जाएगी, यहाँ पे इसको मान लेंगे 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखिए, ये जो तय स्थिर जल में चाल पूछा गया तो ये चाल को हमने x मान लिया, तथा धारा की चाल पूछा गया उसको हमने y मान लिया, ठीक है। चलिए अब प्रश्नानुसार यहाँ पे ये है कि ऋतु के धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तो ये दोनों चाल जो है, पहले हम लिखेंगे ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा धारा के अनुकूल चाल। अब देखिए, धारा की दिशा में जो चाल है, ऋतु धारा के अनुकूल चाल, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, इसका मतलब क्या हुआ कि धारा की जो दिशा है, जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में अगर ऋतु की चाल देखी जाए तो ये चाल x स्थिर जल का और जो ये धारा की चाल है, दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल निकालनी है, ऋतु की धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो अब देखिए प्रतिकूल चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे x में 2 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा x माइनस 2 किलोमीटर बराबर। तो ये हुआ, अनुकूल चाल में प्लस करना है दोनों को और प्रतिकूल चाल में माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में यहां पे ऋतु ने क्या बोला, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखिए, यहां पे हमें समय दिया है और दूरी दिया है, कितनी दूरी तैर सकती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए, चाल हमारे पास जब हम ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है, अनुकूल में, तो ये जो यहाँ तक है सकती है, ये प्रथम प्रश्न अनुसार हो गया।
तो यहाँ पे समय देख रहे हैं तो 2 घंटे है, जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है, अचार आपको नहीं पता है। तो धारा के अनुकूल ये प्रथम प्रश्न अनुसार में हम लिखेंगे धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, अनुकूल है ना, तो ये होगा एक्स प्लस वाई, यहाँ से अनुकूल चाल, चाल हम ये वाली लिखेंगे अनुकूल वाली, यहाँ पे चाल की जगह पर, तो एक्स प्लस वाई की जगह पर ये चाल हो गई। दूरी क्या लिखेंगे, अनुकूल 20 घंटे में है तो ये हो जाएगा 20, समय कितना है 2 घंटे है तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 10, ये बनेगा पहला इक्वेशन। तो ये सिंपल सा हो गया, प्रथम प्रश्न अनुसार हमने कहाँ से कहाँ तक हल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब द्वितीय प्रश्न अनुसार के लिए आपको क्या करना है, द्वितीय प्रश्न अनुसार में हम क्या करेंगे, द्वितीय प्रश्न अनुसार में आपका हो जाएगा प्रतिकूल चाल, क्या निकालेंगे प्रतिकूल चाल यहां से, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो वही सूत्र रहेगा, कौन सा, ये वाला, चूंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो ये हमारा हो जाएगा दूरी बटा समय। अब देखिए चाल जो है, अगर प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पर इस बार चाल क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। जो दूरी है, दूरी इस बार प्रतिकूल में कितनी है, 4 किलोमीटर है और समय 2 घंटे है, तो दूरी की जगह पर आप लिख सकते हैं 4 और समय की जगह पर 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, तो ये हमारा फिर से दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका, ये दूसरा समीकरण है, समीकरण 1 और 2। अच्छा समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, 1 और 2 को हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपका समीकरण 1 और 2 से एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आपके पास समीकरण 1 ये है एक्स प्लस वाई इक्वल 10 और ये क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा है कि इन समीकरणों में एक प्लस है एक माइनस है, बाई का गुणांक 1 है, यहाँ पे बाई का गुणांक 1 है, तो सिंपल सी बात है ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कहीं पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे गुणांक अगर 2 है 3 है, अगर गुणांक अलग अलग होते तो इसको काट नहीं सकते हैं, जब ये कैंसिल नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं विलोपन या प्रतिस्थापन विधि सवाल को हल करते हैं। तो समीकरण में से एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, विधियों का सहारा, जैसे विलोपन हो गई, प्रतिस्थापन हो गई, बज्रगुणन हो गई। तो अगर आपको विलोपन प्रतिस्थापन आ रहा है तो फिर अच्छी बात है, अगर विलोपन प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं ना कैसे हल किया जाता है। अब देखिए ये प्लस माइनस जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गए, एक्स एक्स क्या हुआ, एक्स एक्स यहाँ 2x हो गया और 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा 12/2, 2 6 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब जब हमारे पास एक्स का मान मिल चुका है तो हम किसी एक समीकरण में मान रख देंगे एक्स का, तो हमें क्या होगा वाई का मान यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, है ना, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं एक्स का मान रखने पर, तो वहाँ से हमें वाई का मान मिल जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 आप देख सकते हैं, समीकरण 1 आपके पास है एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स जगह पर हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो ये 6 प्लस वाई बराबर क्या आ गया 10, तो वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो वाई बराबर क्या आ गया 4। तो ये सिंपल सा हो गया एक्स और वाई का मान। अब यहाँ पे हमें ये देखना, ये तो एक्स वाई का मान है, लेकिन इस एक्स और वाई का मान निकालने के बाद आपको लास्ट में आंसर देना है, एक्स आपने क्या माना था, स्थिर जल में ऋतु की चाल को एक्स माने थे वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और ये धारा की चाल वाई माने थे जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लास्ट में आपको आंसर इस तरह से लिखना है, आता है स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर, ऋतु की चाल कितना माने थे एक्स माने थे, एक्स बराबर 6 किलोमीटर बराबर, और
धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल बाई माने थे, जो कि कितना आया है यहाँ पे, चार आया है। तो ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरह से अतः लिखना आपको नहीं भूलना है, ठीक है? आप लोगों का एक नंबर आधा नंबर जो करता है ना, इन्हीं सारी गलतियों की वजह से कटता है। हम पूरी चीजें नहीं लिखते हैं, सवाल बस लगा के उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने आपका यहाँ सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। ऐसे परीक्षा के लिए अच्छे से रेडी करके रखना है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय।